बैक डाउन का मतलब होता है रोक देना या बंद कर देना, यानी किसी लड़ाई या बहस को रोक देना या बंद कर देना। यानी आप गिव अप की जगह पर बैक डाउन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो, अगर आप उनके राजा को मार देंगे तो वे लोग लड़ाई करना बंद कर देंगे या लड़ाई करना छोड़ देंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू किल देयर किंग दे विल बैक डाउन फाइटिंग। यानी अगर आप उनके राजा को मार देंगे तो वो लड़ना बंद कर देंगे या लड़ना छोड़ देंगे। अगर आपको कहना हो कि मुझे नहीं लगता वे इतनी आसानी से छोड़ देंगे या वे इतनी आसानी से बंद कर देंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट थिंक दे विल बैक डाउन सो इजली। यानी मुझे नहीं लगता कि वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे या छोड़ देंगे या बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बैक डाउन का मतलब समझ में आया कि बैक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या रोक देना या बंद कर देना। यानी गिव अप की जगह पर आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक ऑन टू का मतलब होता है दो चीजों का सट कर होना, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि दूसरी चीज पीछे की तरफ से सट कर होनी चाहिए। लगता है आप समझे नहीं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि मेरे घर से सट कर एक पार्क है, यानी मेरे घर के पिछले साइड से सट कर एक पार्क है, तो यहाँ पर आप बैक ऑन टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी जहाँ आपको कहना हो सट कर, तो वहाँ आप कहते हैं बैक ऑन टू। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। माय होम बैक्स ऑन टू अ पार्क वेयर आई प्ले एवरी डे। यानी मेरे घर से सट कर एक पार्क है जहाँ मैं रोज खेलता हूँ। इस सेंटेंस का एक और सेंस है कि मेरे घर के पिछले हिस्से से सट कर एक पार्क है जहाँ मैं रोज खेलता हूँ। अगर आपको कहना हो कि मेरे कॉलेज से सट कर एक होटल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माय कॉलेज बैक्स ऑन टू अ होटल। यानी मेरे कॉलेज से सट कर एक होटल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो होटल मेरे कॉलेज के पीछे की तरफ से सट कर है, यानी मेरे कॉलेज के बैक साइड से सटी हुई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बैक ऑन टू का मतलब समझ में आया कि दो चीजों का सट कर होना या दो चीजों का जुड़ कर होना। बैक आउट का मतलब होता है छोड़ना, यानी लीव की जगह पर आप बैक आउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी काम को छोड़ देना या घर छोड़ देना या कोई भी चीज छोड़ना, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं बैक आउट। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो जब मैं 10वीं में था तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई बैक्ड आउट माय लर्निंग व्हेन आई वाज इन क्लास 10। यानी जब मैं 10वीं में था तो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। अगर आपको कहना हो कि वह रेस छोड़ दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही बैक्ड आउट द रेस। यानी वह रेस को छोड़ दिया। अगर आपको कहना हो कि मैं वहां जाना छोड़ दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई बैक्ड आउट गोइंग देयर। यानी मैं वहां जाना छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको बैक आउट का मतलब समझ में आया कि बैक आउट का इस्तेमाल आप लीव की जगह पे करेंगे, यानी जब आपको कहना हो छोड़ देना। बैक इनटू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको कहना हो किसी गाड़ी को पीछे लेते हुए किसी चीज से टकरा जाना। यानी जब आप अपनी कार को या किसी गाड़ी को पीछे लेते हैं और वो गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है, तो वहां पर हम बोलते हैं बैक इनटू। जैसे अगर आपको कहना हो कार मेरी उंगली पर चढ़ गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द कार बैक्ड इनटू माय टॉय। यानी कार मेरी उंगली पर चढ़ गई। यहाँ इस सेंटेंस का सेंस है कि जब कार रिवर्स हो रही थी, यानी पीछे को आ रही थी, तो वो मेरी उंगली पर चढ़ गई। अगर आपको कहना हो आपके सामान को टक्कर देने के लिए माफी चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर बैकिंग इनटू योर गुड्स। यानी आपको सामानों को टक्कर देने के लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब आप कहेंगे बैक इनटू, तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी पीछे की ओर आ रही थी जिससे टक्कर लगी। बैक ऑफ का मतलब होता है भाग जाना या दफा होना। जैसे कई बार आप कहते हैं अभी भाग जाओ वरना तुमको एक पंच दूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बैक ऑफ नाउ एल्स आई विल पंच यू। यानी भाग जाओ वरना तुम्हें एक पंच दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि बैक ऑफ का मतलब होता है भाग जाना या दफा हो जाना। अगर आपको कहना हो भाग जाओ पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है,
तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बैक ऑफ द पुलिस टू अराइव हियर, यानी भाग जाओ पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। आइए फ्रेंड्स अब अगला वर्ड देखते हैं। क्या आपको पता है गो बैक ओवर का मतलब होता है दोहराना या किसी चीज को रिपीट करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो अच्छे टीचर्स दोहराते हैं जो वह पढ़ाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गुड टीचर्स गो बैक ओवर व्हाट दे टीच, यानी अच्छे टीचर्स जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसे दोहराते हैं यानी रिपीट करते हैं। अगर आपको कहना हो कि क्या आप आखिरी बात को एक बार दोहराएंगे या एक बार दोबारा बोलेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कैन यू गो बैक ओवर द लास्ट पॉइंट, यानी कि आप आखिरी बात को एक बार दोहरा देंगे या एक बार और बोलेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि बैक वाले फैजल वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जहाँ आपको मिलेगा एक कम्प्लीट लर्निंग। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।